मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर विश्व हिंदू परिषद व राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा रामनवमी पर पुराने राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में अलग अलग झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने रही, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शहर के प्रमुख चौक चौराहों में विशेष लाइटिंग व आतिशबाजी भी की गई, जहाँ पर वीर हनुमान ने सभी का मन मोह। आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा पुराने राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दोपहर 3 बजे पुराने राम मंदिर से निकाली गई, जो बुक स्टॉल वाली गली से होते हुए कालीपुतली चौक पहुंची, जहां पर भव्य आतिशबाजी के साथ ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी दिखाई दिया, जिसमें हनुमान जी सहित अनेक झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस झांकी में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने भी शिरकत किया और ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते भी नजर आए। आयोग अध्यक्ष भी कुछ दूर झांकियों में थिरकते नजर आए, जिसके बाद देखने आए जन सैलाब के द्वारा भी कालीपुतली चौक में डीजे की धुन पर कुछ भक्तों के द्वारा जमकर थिरका गया। कुछ दर्शक पूरे नजारों को अपने मोबाइल पर कैद करते हुए भी नजर आए। ईश्वर ही नजर आता था। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि कछुआ जो होता है वो अपने अंडे जो है रहता तो पानी में समुद्र में, ये तो अपने अंडे जो होता है वो रेत में आके देता है। Thank you.
वहीं यह शोभा यात्रा कालीपुतली चौक से धीरे धीरे मेन मार्केट होते हुए राजघाट चौक पहुंची। राजघाट चौक से चक्र चौराहा से होते हुए हनुमान चौक पहुंची, जहां पर रास्ते में विभिन्न श्रद्धालुओं के द्वारा शोभा यात्रा के लिए जगह जगह स्वल्पाहार और पेयजल की व्यवस्था अपने प्रतिष्ठानों के सामने करते रहे, तो कुछ लोग इस शोभा यात्रा का स्वागत पुष्प गुच्छ और श्री राम जानकी को माला पहनाकर भी किया गया। Thank you.
हनुमान चौक में भारी आतिशबाजी का नजारा भी देखने को मिला, जहां एक ओर श्रद्धालु व दर्शकों का इतना समूह इस शोभा यात्रा में देखने को मिला कि किसी को भी जाने आने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। वहीं श्रद्धालुओं के द्वारा जय श्री राम के नारों के साथ पूरा शहर गूंज रहा था, जहां पर सभी श्रद्धालुओं के द्वारा भगवा वस्त्र धारण कर डीजे की धुन पर नाचते थिरकते नजर आ रहे थे। वहीं बाहर से बुलाए गए आतिशबाजों के द्वारा भी हनुमान चौक में एक अलग ही आतिशबाजी का नज़ारा देखने को मिला, जहां आसमान में फटाकों की आवाज़ की गई तो वहीं बाहर से आए आतिशबाजियों के द्वारा भी अलग प्रकार की आतिशबाजी का नज़ारा हनुमान चौक में दिखाई दिया। आतिशबाजी के बाद यह चल समारोह धीरे धीरे हनुमान चौक से आगे की ओर बढ़ते गया और हनुमान चौक से गोंदिया रोड होती हुई यह चल समारोह धीरे धीरे मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए समापन हुआ। इस चल समारोह की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस व्यवस्था भी तैनात की गई थी। वहीं यातायात विभाग के द्वारा भी जगह जगह रोडों को डाइवर्ट करते हुए वे नजर आ रहे थे।